झांसी मोड़ में बीते दिनों हुई मुरली मनोहर मंदिर में चोरी का आज झांसी पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने चोर को पकड़कर चोरी का सामान भी बरामद कर लिया है। आपको बता दें, झांसी में मोड़ थाना क्षेत्र में हुई मुरली मनोहर मंदिर में चोरी का आज एसपी ग्रामीण गोपीनाथ सोनी ने खुलासा करते हुए बताया कि मंदिर में चोरी करने वाले युवक का भाई पैरालाइज है, जिसका उपचार कराने के लिए युवक ने मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दिया। भगवान के घर चोरी करने वाले युवक के पास से चांदी के दो मुकुट, दो छत्तर, एक कुंडल व चबर बरामद हुआ है। मोड़ 9/23 की रात में एक राधा रानी मंदिर जो कस्बे में ही है, वहाँ से चोरी हुई थी। उसमें मुकुट गया था, कुंडल गया था, कुछ और सामान गया था। तो तब से टीमें इसमें गठित की गई थी और इसमें पुलिस को सफलता मिली है। और इसमें एक ही व्यक्ति जिसने ये घटना की थी, जिसका नाम है रंजीत ताम्र का, उसने ही इस घटना को अंजाम दिया था। और उसके पास से जो सामान उसने चोरी किया था मंदिर से, कुंडल है, मोरपंख है व अन्य सामान, वो सारे बरामद हुए हैं। क्यों चोरी की थी, क्या आपराधिक इतिहास? नहीं, इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। क्या वजह रही सर, क्या इसलिए चोरी? वजह जो पूछने भी इसने बताया है और लोगों से ये पता चला कि इसकी एक भाई है जो पैरालिसिस से ग्रसित है, उसके इलाज के लिए वो उतना ही सामान वहाँ से लिया था। वहाँ सोने के सामान भी थे, उसको नहीं लिया था। इसने अपने पूछताछ में यही चीज बताया कि इलाज के लिए ये पैसे चुराए, आभूषण चुराए थे। सर क्या मजबूरी में अगर इसने ये कदम उठाया? जैसा लोगों का भी, आसपास के लोगों ने भी कहा कि ये ऐसे ही मजदूरी करता था, लेकिन पैरालिसिस व अन्य बीमारियों के कारण इसको पैसे की आवश्यकता थी, जिस कारण से इसने इस तरह के घटना को अंजाम दिया। कितनी कीमत होगी सर चोरी? लगभग ऐसे